तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए, नियंत्रण बाजार के प्रमुख विशेषता कौन सी है। नियंत्रण बाजार की प्रमुख विशेषता कौन सी है बताइए। ऑप्शन है बिचौलिया की संख्या कम की होती है, इसमें माल संग्रह करने के लिए भंडार गृह की व्यवस्था, इस तरह के बाजार में श्रेणीकरण प्रमाणीकरण की उच्च व्यवस्था होती है बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाइए, तीनों सही हो जाएंगे, ये डी वाला सही हो जाएगा, ये सभी ठीक। इस तरह के बाजार में श्रेणीकरण प्रमाणीकरण की उच्च व्यवस्था होती है ठीक है। नाफेड की स्थापना कब हुई थी बताइए, नाफेड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1995, 1958, 1991, 1885 बताइए। नाफेड की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी ठीक है। नाफेड की स्थापना 1958 में हुई थी ठीक है। ठीक है, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है देखिए। नाफेड एग्री ऑप्शन है देखिए, नेशनल एग्रोनॉमी फ्रीडम एजुकेशन डिपार्टमेंट, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी है नेशनल एग्रीकल्चर फ्रीडम इंजीनियरिंग डिजाइन बताइए। तो ऑप्शन डी है इसमें कोई नहीं, तो बताइए इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक। बाजार के तत्व निम्नलिखित में से कौन से सही है बताइए। बाजार के तत्व में देखिए, क्रेताओं और विक्रेताओं में संबंध आवश्यक होना चाहिए बाजार में ठीक। एक समान कीमत आवश्यक नहीं ठीक, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं का होना आवश्यक होता है ठीक, ये सभी हो जाएंगे ठीक है। मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य क्या है, मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य क्या है। कृषकों को राष्ट्रीय आय में से अधिक भाग देना, उत्पादन के लिए उत्साहित करना, मंडी के मूल्य को अत्यधिक गिरने से रोकना ठीक, ये सभी हो जाएंगे इसमें ठीक। विपणन योग्य अधिशेष का सूत्र क्या है बताइए। MS = P - C MS + P - C MS + P - C MS + P + CD बताइए। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MS = P - C हो जाएगा। इस सूत्र ठीक, ये होता है विपणन योग्य अधिशेष का सूत्र होता है ठीक। नाफेड का मुख्यालय कहाँ है बताइए, कार्यालय कहाँ है बताइए। नाफेड दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में, कर्नाटक में, बताइए कहाँ है। तो दिल्ली में इसका राइट आंसर दिल्ली में है ठीक, दिल्ली में नाफेड का मुख्यालय दिल्ली में। नाफेड का मुख्य कार्य क्या है, अंतर प्रदेशीय व्यापार, भंडारण व्यवस्था, कृषि संसाधनों की आपूर्ति। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ठीक, नाफेड का मुख्य कार्य है। आयात निर्यात नीति कब स्थापना की गई थी, आयात निर्यात की स्थापना कब की गई थी। तो 1992 में आयात निर्यात की स्थापना की गई थी 1992 में ठीक है। आयात निर्यात नीति कितने वर्षों के लिए घोषित की गई थी बताइए, 5 वर्षों के लिए घोषित की गई थी। उत्पादन का उपभोक्ता में हिस्सा क्या होता है, बताइए। उपभोक्ता मूल्य के विस्तार के लिए किसान उपभोक्ता का उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा ज्ञात किया जाता है बताइए, या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। उत्पादन का उपभोक्ता में हिस्सा क्या होता है बताइए, उपभोक्ता मूल्य के विस्तार के लिए किसान उत्पादन का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा ज्ञात किया जाता है। तो इसमें आपका सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएंगे। एगमार्क का फुल फार्म क्या होता है, बताइए। एग्रीकल्चर मिनी, एग्रीकल्चर मोर, एग्रीकल्चर मैप, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसमें आपको बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो जाएगा ठीक है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, 2000 में, 1885 में, 1999 में, 1885 में, 1999 में, या फिर 1995 में बताइए।
विश्व व्यापार संगठन बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके पूछा गया था, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? USA में है, फ्रांस में है, जिनेवा में है या चीन में बताइए? इसका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, गेट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? गेट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? जनरल एग्रीकल्चर ट्रीटमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जनरल एग्रीकल्चर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, जनरल एग्रीकल्चर ट्रेड टेक्निकल, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड बताइए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, लागत को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वस्तु की मात्रा एवं स्वभाव, कृषि सामग्री की किस्म एवं लागत, मंडी के खर्चों पर दर की संख्या। तो इसमें ये सभी हो जाएंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन अधिनियम कब आया? 1964 में आया। ठीक है, 1964 में आया था। ठीक, अधिनियम निगर कब पास किया गया? ये आपका HW में है। ये आप लोग का आंसर बताइए मैं क्या होगा इसका। तो बताइए वीडियो कैसी लगी है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।